दिखाओ लेटर दिखाओ, वो लेटर दिखाओ बोलो, 10 बेड का लेटर दिखाओ बोलो, एक बेड का लेटर दिखाओ बोलो, ओल्ड सिटी में फिर झूठ। तोबा तोबा, मैं जा क्या दूं, स्पेलिंग तो बोल दो, बोलो बाद में, ठीक है, रोबोटिक्स का ना, ठीक है बाद में, नहीं बाद बोल। समझा है कि 10 बेड जो आप हॉस्पिटल लाए, 10 बेड लाए हॉस्पिटल, उसको 100 बेड करने के वास्ते आप अर्जी दे बोल के बोले सर। सर सर, जब मैं अर्जी दिया था उधर हॉस्पिटल ही पूरा बंद पड़ा था सर, उधर मैंने पहले भी बताया हूँ, आपने वीडियो में भी डाले हैं कि हॉस्पिटल नहीं चल रहा था, लोग गंदगी कर रहे थे, गलत इस्तेमाल हो रहा था उस जगह का। मैं अब्दुल अली बोल के हैदराबाद कर्नाटक न्यूज़पेपर वालों को मिलने गया था, उस वक्त पे उन्होंने मुझे बताया साहब यहाँ के हॉस्पिटल है सिर्फ ओल्ड सिटी के लोगों के लिए नहीं, पूरा मड़ेगांव सर्कल तक सब गाँवों को भी हेल्प होता, ये बहुत हेल्प होता सर करिए। उस टाइम पे 100 बेड का हॉस्पिटल होना बोल के सदानंद गौड़ा जी चीफ मिनिस्टर थे, जाके लेटर दिया, उसके ऊपर साइन करके उन्होंने एक लेटर सेक्रेटरी को लिखा, वो उसके बाद में अगर इन्हों करे बोल के बोल रहे हैं ना, एक सिफारिश का लेटर अभी तक ढूंढ रहे हैं एमएलए साहब, ऐसा बोल रहे हैं अगर सिफारिश का ठीक है, कॉमन मैन क्या बोले, अगर कॉमन मैन भी अगर लेटर देता है तो उसका आंसर आता है, तो वो लेटर शो कर रहे, वो लेटर शो कर रहे, ठीक है हम कॉमन मैन है, उन्हें एमएलए हो कि नहीं के बाद डीएसओ लेटर तो दिखाओ बोलो, मांग रहे सर, मगर वो दिखाओ लेटर दिखाओ सर, वो सिर्फ 100 बेड हॉस्पिटल पर, वो लेटर दिखाओ बोलो, 10 बेड का लेटर दिखाओ बोलो, एक बेड का लेटर दिखाओ बोलो, ओल्ड सिटी में हॉस्पिटल कितने बेड का, मैंने हॉस्पिटल चाहिए बोल के दिखाया बोल के, एक लेटर दिखाओ बोलो। बीदर एयरपोर्ट के लिए भी कहा कि वो कहाँ, बीदर एयरपोर्ट किए साहब, बीदर एयरपोर्ट किए, बीदर एयरपोर्ट 16 तारीख 10वां महीना 2019 में फर्स्ट एप्लीकेशन दिया हूँ, चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा साहब थे, बीएस येडियुरप्पा साहब थे, जब मैं लेटर दिया उनको, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने सूक्त कर्मा कैगोड़ी बोल के लिखे, ठीक है, लिखने के बाद सेक्रेटरी को गया, सेक्रेटरी को जाने उसके बाद में सेक्रेटरी आईडीडी डिपार्टमेंट बोल के रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोल के, वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का रहता सर, कल मैं उनका वीडियो देखा, अरे उनको इसको कैसा संबंध है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया एयरपोर्ट, रॉन्ग, थोड़ा पढ़ा लिखा करो, कुछ जान किया करो, नहीं तो समझ में नहीं आए तो कुछ समझा करो, कहाँ से फॉल्स है, उन्होंने खुद फॉल्स है, खुद फॉल्स है, एंड उन्होंने खाली छोटे मोटे फॉल्स नहीं, पूरे फॉल्स है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहता, आईडीडी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी आके उन्होंने उद्घाटन किया ना कपिल मोहन बोल के, फोटो भी देता हूँ, दिखाता हूँ, मेरे पास ही है, अभी दिखाता हूँ, ये नाम क्या है, सूर्यकांत नागमार पल्ली, तारीख क्या है, तारीख क्या है, 23/19/2019 में, 23/9/2019, साइन क्या करे, चीफ मिनिस्टर का लेटर है, सिग्नेचर है, मेरा ही लेटर हेड है, चीफ मिनिस्टर का साइन करे, एक हो गया। इसके बाद में मैं जब इनको ये लेटर लेके जाके चीफ मिनिस्टर ऐसा रिकमेंड करे सर बोल के आईडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाके मिला, आईएएस ऑफिसर कपिल मोहन सर बोल के उनको अर्जी दिया, उन्होंने क्या किए, मैनेजिंग डायरेक्टर केसेस आईडीसी को लिखे, इमीडिएटली इसको ये करो बोल के, देखिए वो लेटर लिखे, उसके अंदर सूर्यकांत नागमार पल्ली ने ऐसा मुख्यमंत्री ने इनको सिफारिश किया बोल के सेक्रेटरी को लिखे, वो लेटर भी इधर है, वो लेटर उसके बाद में होने के बाद में, एक मिनट, उसके बाद नेक्स्ट भी दिखाता हूँ, उनको मिले सो फोटो, उनको दिए सो फोटो, अखबार में आए सो, एक मिनट, ऑर्डर कॉपी है ना, ऑर्डर कॉपी, इस बार ऑर्डर कॉपी भी दिखा रहा हूँ ना, बताइए सर, ऑर्डर कॉपी दिखा रहा हूँ ना, देखो ऑर्डर कॉपी है, देखो सर हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं करूं, ये पढ़िए ऑर्डर कॉपी, पढ़ लीजिए, वो भी ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी इधर है, ऑर्डर कॉपी में मेरा नाम है, उधर रेफरेंस गलती से झूठे बोल दिया तो ओरिजिनल कॉपी दे देता हूँ मैं, फिर पकड़े जाते, फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को डालता हूँ, पहले बार फॉरेंसिक में टेस्ट करेंगे सर, कहाँ है ऑर्डर कॉपी, और चेक का पैसा 4,23,00,000 रुपए रिलीज हो, चेक चेक, ठीक है, जिंदा मिसाल है, हाँ वो फेक बात करें तो क्या बोलेंगे, पेपर में उस वक्त पे आए सो, कौन से तारीख में अर्जी दिया, कौन से तारीख में मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को मिला, कौन से तारीख में सेक्रेटरी को मिला, वो होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 करोड़ रुपए आया, वो हमारे एमपी भगवंत खोबा साहब उधर से वो रिकमेंड करके लाए, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप का प्रोग्राम है, उस टाइम पे हम जीएमआर को मिले, जीएमआर बोले 156 किलोमीटर रेडियस है, 156 किलोमीटर रेडियस में हम एयरपोर्ट नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव एन अग्रीमेंट, उसके लिए उन्होंने नहीं दे रहे थे, कपिल मोहन सर को बोल के रिक्वेस्ट कराने लगा है, बोले हमारे पास ऑलरेडी डिफेंस का रनवे है,
ATC है, यही ATC इस्तेमाल करिए सर, 100 करोड़ क्यों पूछ रहे हो, 100 करोड़ पूछ रहे थे, वही ATC यूज़ करके एयरपोर्ट एक महीने में शुरू करने का काम कैसा हो बोले तो, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ए रनवे, ऑलरेडी वी हैव एन ATC एंड टर्मिनल को खाली रिपेयर करना था, करके स्टार्ट कर दिए एयरपोर्ट। और कहाँ से बोलते हैं उन्होंने किए बोल के, ये MLA साहब बोल रहे एक सिफारिश का लेटर, मैं तो ऑर्डर भी दिखा दिया, इसमें ऑर्डर भी दिखा दिया, सेक्रेटरी का ऑर्डर दिखाया और उद्घाटन का कॉपी भी, फोटो भी दिखा, तो कब किए 100 बेड कहाँ है, कब किए दिखाओ बोलो, दिखाओ बोलो, एयरपोर्ट भी करे बोले ना, एक तो कॉपी हो ना, मेरा सिफारिश का लेटर है, सरकार कम्युनिकेट करे से लेटर है और गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया से लेटर भी है, तीनों लेटर दिया हूँ और चेक रिलीज करे से पैसे का पेमेंट भी दिया हूँ और पूरे डॉक्यूमेंट देता हूँ, एक एटलीस्ट ऑर्डर देनी। दूसरी बात, इस बार भी फिर बोल रहा हूँ, सिफारिश का लेटर तो दिखाओ, सिर्फ सिफारिश, नुमाइंदगी करे बोल के, हमारे लोगों को तकलीफ है, हमारे ओल्ड सिटी को तकलीफ है, हमको अस्पताल होना बोल के, एक रेकमेंड करे सो लेटर तो दिखाओ, एक ही बेड को करे बोल के तो दिखाओ। वो नगर उत्थान का फंड आ रहा है, चुप बोर्ड डाले के फिरे तो कैसा होता है, उनको दिए चुने जाके चीफ मिनिस्टर, BJP के गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर को जाके 25 करोड़ रुपये रिक्वेस्ट करने से चीफ मिनिस्टर से 25 करोड़ फंड लिए, वो उनका ही ग्रांट है, बाकी नगर उत्थान का फंड है। सर सिर्फ नगर उत्थान का नहीं और 60 सेक्टर्स में डेवलपमेंट करा, कौन से सेक्टर, कौन से सेक्टर, एजुकेशन में करा, हेल्थ में, एजुकेशन में क्या करे, एजुकेशन में मैं किया हूँ, जितने आंगनवाड़ी है ना ये 45 गांव में, ऑर्डर मैं लेके आया हूँ, 2.5 करोड़ पैसा लेके आया हूँ, ऑर्डर वो ऑर्डर भी मेरे नाम पे, आंगनवाड़ियों को सब रिपेयर करना बोल के मैं पैसा लेके आया हूँ, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बोल रहे सर, वो इंजीनियरिंग MLA नहीं बने थे उससे पहले जो ऑर्डर कॉपी आए सो है वो फिर झूठ, तोबा मैं जाके आता हूँ। उद्योग मेला किया था मैं परसों ही जॉब क्रिएट करने के लिए, 2018 में उद्योग मेला किया जॉब क्रिएट करने के लिए, 2016 में क्रिएट किया उद्योग मेला जॉब क्रिएट करने के लिए, आज भी अभी उद्योग मेला करके ही आ रहा हूँ मैं, कहाँ पर ITI में, 1975 में ITI खुला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको। जॉब फेयर तो अब आप करा रहे हैं, MLA साहब बोल रहे हैं वो 18 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं, एक मिनट कहाँ है उन्होंने, कब से करा रहे कहते, कहाँ थे कहते, कौन से गांव में, कौन से गांव में करा रहे, 1975 में खुला है ये जो बीदर का ITI है, 1975 में खुला है, लेकिन उस टाइम पे कैंपस नहीं था, आपकी जानकारी के लिए 1990 में कैंपस खुला है, शिवशंकर टोकरे बोल के उसके प्रिंसिपल आए हैं और उन्होंने गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर की तरफ से उनको अवार्ड मिला है कि 16,784 जॉब्स मिला है बोल के, और पूरा भारत में, होल ऑफ इंडिया में 2 सेंटर है ITI के, जहाँ पर रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड न्यूमैटिक सिखाते, वो सेंटर का एक है, उनको स्पेलिंग तो बोल दो, बोलो बाद में, ठीक है, रोबोटिक्स का और ठीक है बाद में, नहीं बात बोल रहा हूँ, वो इधर इधर सेंटर है, ये जो सेंटर खोले हैं ये दुनिया में, भारत में दो ही है, एक बीदर में है, एक और एक गांव में है, और इधर जो है 16,000 जॉब्स क्रिएट है, आज भी आए, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा आए, होंडा कंपनी आया, जिंदाल स्टील तोरणगल से आया, और हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ जहीराबाद से उन्होंने आए, आज ही हम 51 लोग को जॉब दिलाए, आज अभी उद्घाटन करके वही ITI में, वही ITI में मैं जॉब दिला के अभी नौकरी खोल के कंपनी विल कम, बिकॉज द रीज़न इज दिस इज़ द ओनली ITI सेंटर वेयर अप्रेंटिस जो शिप है बहुत क्लास है, जब कैंपस होने से पहले बिफोर द रिजल्ट दे गिव जॉब्स हियर एंड दैट इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज कम एंड ही टेक पीपल फ्रॉम हियर, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव एंड एनर्जेटिक है, एक्सलेंट है, बल्कि हमारे को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इधर। कैंपस सिलेक्शन था सर, कहाँ से जॉब फेयर है सर, अभी मैं वहीं से जाके आया हूँ, मैं उद्घाटन करके, कल सवेरे अखबार में पढ़ लेना, मैं उद्घाटन करके, अप्रेंटिसशिप है सर, कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस सिलेक्शन हुआ है, अभी 51 लोगों को अभी लिए है, अभी रिजल्ट भी नहीं है, बट दे विल बी टेकन एज अ जॉब ओनली। 18,000 जो बच्चों को जॉब, कौन से 18,000 हुआ इस, नहीं 16,794 सीधा ITI सेंटर को जाइए, पेपर निकालिए, देखिए, उन्हें बोले सो देखिए, ये डॉक्यूमेंट देखिए, आज सिर्फ 51 लोगों को हुआ है, टोटल हुआ है 16,784 और आज का 51, अभी तक 17,000 ही क्रॉस नहीं, 18 कहाँ से हो गए, उन्हें बोल जॉब फेयर करा गया उसमें कितनों को जॉब, बहुत लोगों को जॉब मिला सर, इस बार भी मिला, इससे पहले बसों कल्याण से मिला, उससे और 2016 में मिला, लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को, सब में जो फाउंडेशन की, बहुत लोगों को हुआ है सर, बहुत लोगों को प्रोवाइड कर, एयरपोर्ट एयरपोर्ट उन्होंने नहीं लाए, उनको एयरपोर्ट को संबंध नहीं है, बीदर हॉस्पिटल को उनको संबंध नहीं है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग
उन्होंने ही थे कहते ना एमएलए उस टाइम पे, डेट देख लो ना, मेरे को भी नहीं मालूम उन्होंने नहीं थे बोल के बोले, फिर एमएलए नहीं रहे तो फिर कैसा उन्होंने बन सकता है। पूछो उनसे ही, पूछो क्वेश्चन, मुझसे क्यों पूछते हो, अच्छा दोस्त है मेरा, छोड़िए उनको पूछो क्वेश्चन।